तो हाजी क्या हालचाल। तो भाई ओप्पो रेडी है अपने ओप्पो रेनो 13 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। भाई साहब इसमें एक नहीं पूरे दो स्मार्टफोन है, ओप्पो रेनो 13 और एक है ओप्पो रेनो 13 प्रो। बट आज की इस वीडियो में कवर करूंगा ओप्पो रेनो 13 प्रो के बारे में, क्योंकि इसकी ना लीक सामने आई हुई है। मैंने इसकी माल मसाला क्या होने वाला है, इवन कैमरा तक क्या होगा, बैटरी क्या होगी, प्रोसेसर क्या होने वाला, सब कुछ सामने आया हुआ है। एक लीक्स है, आगे चल के चेंजेस हो सकते हैं, बट यहां पर 80% मांग के चलिए ये कंफर्म लीक्स हो गई है कि यही चीज कुछ होने वाला है। बट डिजाइन क्या होगी अभी ये सामने नहीं आई है, बट अभी जो आप देखेंगे वो पुराना ओप्पो रेनो 12 प्रो का ही डिजाइन देखेंगे। तो एक प्रोस्पेक्टिव है, मतलब थोड़ा सा बोरिंग ना लगे, थोड़ा सा मजा आना चाहिए, उसको अभी दिखाया जाएगा, कुछ वैसा ही होगा बताया जा रहा है। बट चलिए देखते हैं भाई साहब इस बार माल मसाला में कितना अपग्रेड किया गया है ओप्पो रेनो 12 प्रो से ओप्पो रेनो 13 प्रो में, क्या खास होगी सब बताने वाले हैं। बट माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई अपने भारत में कब तक लॉन्च हो जाएगी। तो देखिए अभी ऑफिशियली डेट तो सामने नहीं आई है, ये नेक्स्ट ईयर ही मतलब देखने को मिलने वाला है। लेकिन चलिए देखते हैं कि ओप्पो रेनो 13 प्रो में क्या खास होने वाली है। बस एक काम करना है, क्या काम करना भूल जाते हैं, पहले तो कैसे वीडियो से पैसे कमाएंगे वो बताने वाला हूं आगे। और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, केवल 200 टारगेट है ना, पहुंचा दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अनूप, आप देख रहे खुद का टेक चैनल टेक्नो अनूप, क्योंकि आप हैं तभी तो मैं हूं। तो हाँ जी, चलिए देखते हैं कि भाई साहब ओप्पो रेनो 13 प्रो में ऐसा क्या खास होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। दोस्तों बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो यहां पर अपग्रेड देखने को मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू लीक्स बताए जा रही है यहां पर ग्लास बिल्ड देखने को मिलेगा, ग्लास का बैक तो होगा ही, मेटल फ्रेम इस बार होने वाला है ग्लास फ्रंट के साथ। बट फ्रंट में किस चीज की प्रोटेक्शन है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाली है। बट फोन का वेट बताया जा रहा है समवेयर अराउंड 182 ग्राम, थिकनेस 7.7 mm, साथ ही IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाएगी। धूल और पानी से भाई जबरदस्त प्रोटेक्शन करने वाली है। भाई आप फोन को लेकर स्विमिंग में करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कौन स्विमिंग करता है। खैर चलिए, दिखने में कैसा होने वाला, अभी सामने डिजाइन नहीं आई है, लेकिन कुछ लेआउट बताया जा रहा है कुछ वैसा होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं किसकी, डिजाइन की। दोस्तों डिजाइन की बात करना, डिजाइन बताया जा रही है कि अब वैसे ओप्पो रेनो 12 प्रो जैसा था वैसे कुछ होगा, बस कैमरा का प्लेसमेंट अलग हो सकती है। बैक साइड देखेंगे ना टॉप पे आपको लेफ्ट साइड में ट्रिपल कैमरा के हाउसिंग एलईडी फ्लैश के साथ, वहीं सेंटर में आपको ओप्पो की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी या नीचे देखने को कहीं भी प्लेसमेंट किया जा सकता है। फ्रंट साइड की बात करें, सेंटर पंच होल के आपको माइक्रो कर्व डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। बट बॉडी टू रेशियो 90% के आसपास होगी, वेजर चीन पतली सी होने वाली है। कलर्स की बात करें तो कलर्स अभी तो सामने नहीं आई है, लेकिन एक और इस बताया जा रही कुछ वैसा ही होगा। पहला आपको मिलेगा ग्रे, फिर मिलेगा ब्राउन, फिर सनसेट गोल्ड और एक सिल्वर कलर में मिल सकता है। कलर्स में कुछ अपग्रेड हो सकते हैं, बट सवाल है कि कंटेंट कंज्यूम करने के मामले में डिस्प्ले कैसी होगी। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले की। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो इस बात तो भाई लिटरली अपग्रेडेड डिस्प्ले शानदार होने वाला है, क्योंकि डिस्प्ले जो ना वो बदल दिया गया है। यहां पर लार्ज डिस्प्ले है, यहां मिलेगा 6.78 इंच की 1.5K 8T का LTPO OLED पैनल, 2780x1264 पिक्सल की स्क्रीन रेजोल्यूशन, 20 का स्पेक रेशियो, 450 ppi की पिक्सल डेंसिटी, 5000 nits की पिक ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट, HDR10+ वाइड बैंड L1। भाई साहब 5000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, इनकी इंडोर आउटडोर की विजिबिलिटी में कतई प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, कुछ ज्यादा ही है, ऐसे कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होती है। बट रिफ्रेश रेट, टच सैंपलिंग रेट कॉम्बिनेशन शानदार, सोशल मीडिया पेज स्क्रॉल करेंगे ना, गेम करने में ना मजा आने वाला है, मैंने स्मूथनेस नजर आई यहां पर। हां, कंटेंट कंज्यूम करते हैं तो 10 बिट्स का तो पहला आपको कलर्स मिल रहे हैं, HDR10+ वाइड बैंड L1 सपोर्ट है, 1.5K की डिस्प्ले है, यानी कि देखा जाए कंटेंट कंज्यूम करने मजा तो लिटरली आने ही वाला है। Amazon YouTube पे आप HDR कंटेंट ना रगड़ के देख सकते हैं, पर Netflix सपोर्ट नहीं करेगी। भाई साहब सब बात हो रही है, अभी बात हुई थी गेमिंग करने में मजा आने वाला है, तो माइंड में सवाल हो रहा कि भाई इस सब को चलाने के लिए दिमाग कौन सा यूज किया गया, प्रोसेसर कौन सा यूज किया गया। चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो इस डिवाइस को शक्ति देगी मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 9300
प्रोसेसर। प्रोसेसर अच्छी है भाई साहब, कोई कमी नहीं है। 4 नैनोमीटर के फैब्रिकेशन बनाए तो गया है, एनर्जी इफिशियंसी जबरदस्त है, हीटिंग उसे काफी कम देखने को मिलता है। और भी भाई साहब बताया जा रहा है कि ब्रांड की तरफ से थर्मल मैनेजमेंट का भी सपोर्ट शानदार दिया जाएगा, यानी कि हीट चांसेस बहुत ही कम होने वाले हैं। कितना पावरफुल है, चलिए नजर डालते इसके रॉस। यहां मिलता है 4 Cortex X4 जो कि 3.25 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया गया, वहीं 4 Cortex A720 जो कि 2 गीगाहर्ट्ज़ क्लॉक किया। परफॉर्मेंस भाई सब जबरदस्त है, बटरी स्मूथ है, सुपर से ऊपर वाला परफॉर्मेंस तो मिलने वाला, आराम से 90 FPS तक गेमिंग कर सकते हैं। मिलता है RMali G720 Immortalis MP12 GPU साथ ही LPDDR5X RAM UFS 4.0 वाला स्टोरेज देखने को मिलेगा, यानी कि रीड राइट किसी को ऑसम मिलने वाली है। 8-10 5G बैंड आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। रही बात ऑनटर स्कोर की तो 20,83,000 के आसपास देखने को मिलते, यानी कि भाई साहब परफॉर्मेंस शानदार होने वाली है। अब भाई सब कुछ तो ठीक है, भाई सवाल है कि इमेज वीडियो और सेल्फी लेंगे उस मामले में क्वालिटी कैसी होगी। चलिए बात करते हैं कैमरा की। दोस्तों कैमरा की बात करें तो अकॉर्डिंग टू लीक्स में बताया जा रहा है यहां पर ट्रिपल कैमरा, पहला है 50 MP मेन सेंसर OIS सपोर्ट के साथ, कोई सोनी का सेंसर मिलेगा, वही 8 MP का अल्ट्रा वाइड, वही 50 MP का टेलीफोटो लेंस OIS सपोर्ट के साथ, 3x ऑप्टिकल जूम जो कि सोनी का ही सेंसर देखने को चांसेस से मिलने की, कोई लाइटिया सेंसर मिलेगा, लेकिन 8K 30 FPS 4K 60 FPS 1080 240 रिकॉर्ड कर सकते, क्वालिटी जो बम्पर होने वाली है। रही बात आपके खूबसूरत चेहरे को रील शॉट्स आने के लिए, यहां मिलेगा 50 MP का सेल्फी कैमरा, सोनी का या फिर सैमसंग का कोई सेंसर होगा, यहाँ पर भी कोई अपडेट तो नहीं आएगा, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन 4K 1080 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वालिटी भाई साहब बम्पर होने वाली है, देख के तो लग रहा है अभी फिलहाल। बट सवाल है कि इसको चलाने के लिए कितना एमएएच की बैटरी मिलेगी। चलिए बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी की बात करना तो इस डिवाइस को जान फूकने के लिए मिलेंगे पूरे 5900 mAh की बैटरी, 80 W की चार्जिंग सपोर्ट प्लस 50 W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, यानी कि भाई साहब चार्जर बॉक्स देखने को मिलेगा मिलेगा, बैकअप शानदार निकाल देगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कैसे यूज करते हैं। लेकिन अब बात करें इसके सेंसर सिक्योरिटी प्राइवेसी की। नो डाउट अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक ऑप्शन डेफिनेटली मिलता है। सेंसर भाई साहब सारे सेंसर मिलेंगे, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, फलाना ढिकाना, चटर पुटर, NFC सब मिलेंगे, USB टाइप सी पोर्ट, डुअल स्टीरियो स्पीकर भी देखने को मिलने वाला है यहाँ पर, बट 3.5 mm ऑडियो जैक, ना ही कोई कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। लेकिन अब बात करें इसके सॉफ्टवेयर की। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर आउट ऑफ दी बॉक्स आती कलर OS 15 मिलेगा। ब्रॉडवेयर होते हैं ठीक है, ठीक ठाक आपको UI मिल जाएगा एक्सपीरियंस, बट 3 साल एंड्रॉइड, 4 साल सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ। अब बात करें इसके वेरिएंट्स की। दोस्तों वेरिएंट्स की बात करें तो अभी फिलहाल 2 ही वेरिएंट्स की अपडेट आई है। इसकी जो बेस वेरिएंट वो होगी 12+256, 16+512। तो देखी जाए तो ऑप्शंस तो अच्छे हैं जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, बट भाई सवाल है कि भाई पैसे कैसे कमाएंगे और भाई इस डिवाइस की प्राइस क्या होगी, अपने आप भारत लॉन्च होगी सब बताएंगे। बस अपना एक टारगेट है क्या, केवल 200 लाख का टारगेट है, पहुंचा दीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली साथ। चैनल पर आए हैं ना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, क्योंकि आपके लिए फ्री होती है, मुझे थोड़ी सी बेनिफिट मिल जाती है। खैर चलिए बात करते हैं प्राइस की। दोस्तों प्राइस की बात करें तो देखिए अभी एक लीक्स रूमर से, अभी डिजाइन भी सामने नहीं आया है, तो ये चीज मैं आप पर छोड़ता हूं, आप प्रिडिक्शन लगाइए डिजाइन कैसा होगा जो भी हो, बट माल मसाला देखकर क्या लगता है इसकी प्राइस क्या हो सकती है अपने आप भारत में जब लॉन्च होगी, तो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगी, लेकिन एक प्रिडिक्शन है कि क्या हो सकती है इसकी प्राइस, बताएं कमेंट करके। देखूं तो कितने लोग हैं जो कि आसपास पहुंचते हैं, मैं बताऊंगा कमेंट करके, कमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन यही से आप पैसे भी कमा सकते हैं, जितना कमेंट करेंगे उतने ही चांसेस इंक्रीज होते हैं पैसे कमाने के, क्योंकि कमेंट करेंगे अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, जो नए व्यूवर्स आते हैं उनको भी हेल्प मिल जाता है, तो अच्छा लगता है, कमेंट इसीलिए बना हुआ है, तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिए और चांसेस इंक्रीज कीजिए पैसे कमाने के। मंडे टू सैटरडे एवं संडे वाले वीडियो में भी क्या बोलते हैं रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है कमेंट, इस बात तो नहीं होगा, नेक्स्ट ईयर से मतलब नेक्स्ट वीक से शुरू किया जाएगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्ब था, मैं बाहर अभी आया हुआ हूं तो डिस्टर्ब हो रहा है किसी तरह, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, बट कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि यही से आप पैसे कमाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नए टॉपिक का, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखो वो आ गया।